जी नमस्कार। आज सत्याग्रह में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीलम, बहुत पुराने किसान नेता। जब अभी हिंदुस्तान में किसानों का कोई आंदोलन अभी खड़ा नहीं हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में वो किसान आंदोलन के नेता के रूप में ही पहले जाने जाते थे, और किसान किसान संगठन के आधार पे ही वो पहली बार विधायक बने निर्दलीय, और मध्य प्रदेश से 2 बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत सक्रिय भागीदारी है डॉक्टर साहब की, और जो जो समिति है जो आंदोलन का संचालन कर रही है उसके सक्रिय सदस्य हैं। तो आज हम डॉक्टर सुनीलम से जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसकी उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उसकी क्या स्थिति है, वो कितना मजबूत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, क्या किसान पीछे हटेगा, ये सवाल है। और इस पूरे सत्र का संचालन जो है वो करेंगी हमारी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तेलंगाना की महासचिव डॉक्टर लुबना सारवत। तो डॉक्टर लुबना सारवत का भी मैं स्वागत करता हूँ। और लुबना जी स्वतंत्र हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, जिसमें भी वो सवाल पूछना चाहें, और डॉक्टर सुनीलम भी स्वतंत्र हैं जिस भाषा में भी जवाब देना चाहे। तो डॉक्टर लुबना, आर यू देयर? हाँ ठीक है, तो मैं डॉक्टर लुबना को अब मैं कमान सौंपता हूँ, और डॉक्टर लुबना आगे की कार्रवाई करेंगी, और जहाँ जरूरी होगा हम लोग भी अपनी टिप्पणी करेंगे, लेकिन मुख्य संवाद डॉक्टर लुबना और डॉक्टर सुनीलम के बीच में होगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुलियम जी, आप यहाँ पर आपके पूरे एक्सपीरियंस और हमको और नॉलेज शेयरिंग के लिए यहाँ पर जो आप चल के भी आए थे कहीं से आप, सो बहुत शुक्रिया आपका और बहुत स्वागत है आपका। तो इस समय जो ये फार्मर प्रोटेस्ट का जो इतना फार्मर बिल्स के ऊपर, जब फार्मर्स के प्रोटेस्ट नहीं है, पूरी इंडिया प्रोटेस्ट में खड़ चुकी है, लेकिन ये फार्मर बिल्स का बहाना लेके जो हम पूरी 6 साल से जो हम डेमोक्रेसी की, सोशलिज्म की, सेकुलरिज्म की जो खुलेआम और खुलेआम अल्फाज में और खुलेआम एक्शन में भी जो ये दबाव हो रही है, उसको उसको बाजू हटा के उसको देश की पटरियों को कुछ और, इस प्रियाम्बल के पटरी को हट से हटके कहीं और चलाना की जो कोशिशें हो रही थी, वो अब तो बहुत खुले काम भी चल रहा है और खुली बात भी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल बजट में जो बोल दिया कि सोशलिज्म को हम हटाना ही चाह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उसकी पेश हुई थी कि सेक्युलरिज्म सोशलिज्म दोनों को प्रियम्बल से हटाना चाहिए, और उतनी बड़ी पे बिजनेस लाइन हिंदू में खुलेआम 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर बोले थे कि वेलफेयर इज नॉट द कॉपी राइट ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म जिसकी आपकी जो हमेशा आपके नाम से जो जुड़ा हुआ भी रहता है समाजवादी, डॉक्टर सुनीलम समाजवादी, तो इसके ऊपर जो खुलेआम अटैक हो रहा है, यानी संविधान के प्रियम्बल पे भी, और यानी हम लोग जो भी हम सोचते हैं सोशलिज्म के ऊपर जो अटैक हो रहा है, और इसको फार्मर बिल्स, फॉर्म्स की जो प्रोटेस्ट हो रही है फार्मर बिल्स के ऊपर, उसके ऊपर कई कई हमारे अंदर अभी जो लेटेस्ट एथेनॉल का भी जो डिक्लेरेशन हुआ है, IOC खोलने वाली है एथेनॉल की वर्स की, इन कई चीजों को लेके हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं, और ताकि सब सुनने वालों को और हम सब और एक्सचेंज ऑफ अच्छी व्यूज हो जाए, क्योंकि अब वो मोड आ गया है इंडिया में जहाँ की हमको सोशलिज्म पे सीधी अटैक हो रही है, वो लव्स के ऊपर भी अटैक हो रही है। तो उस ये हालतों में अपनी रोल क्या है, फार्मर्स जो भाइया खड़े हैं, मजदूर जो भाइया खड़े हैं, भाइया बहन सब खड़े हैं, तो उनके साथ हम किस तरह पॉलिटिकली कैसा अंदाज लाना चाहिए, या सोशल एक्टिविस्ट के जरिए कैसा अंदाज लाना चाहिए, प्लीज आप जरा रोशनी डालिए। लुबना जी, बहुत आपका शुक्रिया। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, हाँ बहुत क्लियर है आपका आवाज। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कितना वक्त है, ताकि उसी हिसाब से मैं जवाब दूंगा आपको। कुल मिला करके कितना वक्त है हमारे पास? जी हमारे पास 7 to 8 का ये सत्याग्रह प्रोग्राम है एवरीडे का। ओके, ठीक है हाँ ठीक है ना? तो इसमें बीच जी में जी कोई भी जी कुछ बोल सकते हैं, एवरीबॉडी इज फ्री टू टॉक, बट लेकिन मुख्य आप हम सब आपसे सुनना चाह रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आपने जो कुछ हो रहा है उसका तबसरा आपने कर दिया है। एक तरीके से मूल्यांकन, इवैल्यूएशन आपने
अपना जो प्रियम्बल है, आपका जो प्रस्तावना है, उसके अंदर आपने करी दिया है पूरा। लेकिन मैं उसकी बात बाद में करूंगा। मैं मुख्य तौर पर ये कहना चाहता हूं कि ये जो किसानों के जो 3 कानून बने, वो कानून किसानों ने मांगे नहीं थे। किसानों ने जो मांगा था, वो मांगा था संपूर्ण कर्जा मुक्ति और लाभकारी मूल्य की गारंटी। इसके लिए जब मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ मंदसौर के अंदर पुलिस गोली चालन हुआ, 6 किसान शहीद हुए, उसमें कई बार मेरी गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद में उस समय देश में कई सारी जगहों पर, तमिलनाडु में भी, महाराष्ट्र में भी, हर अलग अलग राज्यों के अंदर आंदोलन चल रहे थे, और उसी बीच ये घटना घटी। तो हम लोगों ने एक गांधी पीस फाउंडेशन में दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें ये तय हुआ कि हम एक साथ ही लड़ सकते हैं, अलग अलग हम नहीं लड़ सकते। और इसलिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन किया। किसानों के संगठनों की अपनी लंबी लंबी लिस्ट रहती है सबकी मांगों की, क्योंकि किसान को एक कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा एक मांग हल कर दी जाए तो किसान जो है वो उसकी समस्या हल हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने लेकिन ये तय किया कि हम एक के बाद एक मुद्दे लेंगे। तो पहले 2 मुद्दे हम लोगों ने लिया, कर्जा मुक्ति और लाभकारी मूल्य की गारंटी, मतलब C2+50%। C2+50% का मतलब कि स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी, जिसके ऊपर की पूरे देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस था, हम लोगों ने ये तय किया कि हम ये 2 मुद्दों को लेके C2+50%, मतलब लागत से 1.5 गुना, मतलब ये कि जो किसान की जमीन है उसका भी किराया, उसकी जो पूंजी लगती है उसका भी ब्याज, प्लस इनपुट कॉस्ट का 50% अधिक, तो 1.5 गुना उसको मिलना चाहिए C2+50 के हिसाब से। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमने मांगा था वो कोई नया नहीं मांगा था। स्वामीनाथन कमेटी उसकी रिकमेंडेशन पहले कर चुकी थी, और स्वयं मोदी जी 2014 के चुनाव में वो इसी मुद्दे को लेकर के गए थे कि मैं 1.5 गुना लागत का मूल्य देने का काम करूंगा। तो जो मुद्दा था वो हमने पैदा नहीं किया, किसानों ने पैदा नहीं किया। किसानों की वो पीड़ा थी, दर्द था, परेशानी थी, जिसको हल स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से एक कंसेंसस बना, और सबकी ये राय बनी कि ऐसा ही होना चाहिए। और तो ये मुद्दा हम चाहते थे कि हल हो। सरकार ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा की, जिस तरीके से उन्होंने पहले किया था, आपको मालूम है, नोटबंदी की थी, जिस तरीके से GST लगाई थी, उसी तरीके से अचानक उन्होंने तालाबंदी की घोषणा कर दी। जिस तरीके से आर्टिकल थ्री और सेवेंटी फोर को लागू जी किया। हाँ, Article 370 लेके आए, CNRC लेके आए, सब कुछ है, सब कुछ उनका अचानक होता है। तो वो जो अचानक उन्होंने किया, उसके साथ साथ वो लॉकडाउन की आड़ में उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। ऑर्डिनेंस जब जारी उन्होंने किए, तब AIKCC ने 250 किसान संगठनों का जो मंच है, जिसका मैं वर्किंग ग्रुप का मेंबर हूँ, जिसके अंदर योगेंद्र यादव जी से लेकर के आपके तेलंगाना के भी जो है, और आंध्र प्रदेश के वेंकैया जी भी हैं उसके अंदर, राजू हैं, और उपाध्याय जी राजू हैं। बहुत सारे साथी लोग उसके अंदर हैं, और जो है योगेंद्र यादव जी, मेधा पाटकर जी, हनान मुल्ला जी, आशीष मित्तल जी, और अतुल अंजान जी, इस तरीके से बहुत सारे, कविता कुरुगंटी जी आपके हैदराबाद से, किरण जी, किरण विसा जी, सभी लोग हैं अरुंधति उसमें दुर्वे हैं। जी, है ना। तो सब लोग जो है, हम लोग मिल करके, अरुंधति जी NAPM है, और NAPM जो है वो भी इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है AIKCC का। तो हम लोग तो ये 2 मांगे उठा रहे थे, लेकिन सरकार ने जब ऑर्डिनेंस लाया तो हमने उन ऑर्डिनेंस को जलाना शुरू किया, उसका प्रोटेस्ट शुरू किया, और पूरे कोरोना काल के अंदर हम इसका सशक्त विरोध करते रहे। सशक्त विरोध करते हुए एक बार भारत बंद भी हुआ, हमने फिर जो है इसको लेकर के कॉरपोरेट भगाओ किसानी बचाओ आंदोलन भी हमने चलाया। हमने अपने 2 मुद्दों को लेकर के पूरे देश की यात्रा की थी, संपूर्ण कर्जा मुक्ति, लाभकारी मूल्य की गारंटी को लेकर के, और 19 राज्यों की यात्रा हमने की थी, और 500 किसान मुक्ति सम्मेलन किए थे, 2 बार लाखों किसानों की दिल्ली के अंदर हमने रैली की थी। तो
हमारे मुद्दे कुछ और थे, देश का किसान कुछ और चाहता था, लेकिन सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर 2014 में आते साथ ही जो अडानी को जमीनें दे दी थी, कयास जो बनाने का काम किया था, और उसमें जो उनका पूरा अनाज का भंडारण होना था 15 राज्यों के अंदर, उन्होंने FCI के अनाज का भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन अडानी को देने का सबसे पहला एक ही महीने के अंदर उन्होंने तय कर लिया था। अब सवाल ये है कि वो सब खाली पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था तो उनको जो है वो जरूरी था कि ये जो है वो ये जरूरी था, जब जो खाली पड़ा हुआ था, कि उसके वो भरने का इंतजाम हो, और वो भर तब सकता था जबकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। और इसलिए उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लेके आया क्योंकि FCI के अपने गोडाउन्स थे और इनके पास में कोई माल देने वाला नहीं था, इनके पास में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। तो फिर इन्होंने ये जो कानून लेके आए वो इस तरीके से लेकर के आए कि पूरा का पूरा खेती के ऊपर जो जो अभी मंडियां हैं और जो MSP है और जो किसानों के अपना मालिकाना हक है, जब तक ये हक खत्म नहीं होगा और जब तक कॉरपोरेट के पास में खेती नहीं आएगी तो वो अपने हिसाब से कृषि उत्पाद पैदा नहीं कर पाएगा। अभी जो कृषि उत्पाद है वो कंपनी तय नहीं करती, किसान स्वयं तय करता है। लेकिन ये जो तीन कानून बने, इन तीन कानूनों के अंदर ये पाबंदी है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिस भी कंपनी के साथ में, जो आपको निश्चित राशि हर साल का देने का वायदा आपसे करेगी, तो वही बीज देगी, वही खाद देगी, वही आपको सब कुछ उपलब्ध कराएगी। एक तरीके से आप अपने खेत के मालिक नहीं रह जाएंगे क्योंकि आपका कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो पूरा का पूरा जो इसके पीछे आइडिया था, वो आइडिया ये था कि जो एक प्रॉब्लम है, बड़े जो सोचने वाले, समझने वाले, जो अपने आप को इस देश के बुद्धिजीवी मानते हैं, जो नीति आयोग के अंदर बैठते हैं, उनको ऐसा लगता था कि जो किसान सब्सिडी ले लेता है और 1 और 2 रुपए किलो के अंदर अनाज देना पड़ता है, FCI चल रहा है, उसको बहुत घाटा हो रहा है और किसानों के सब्सिडी में लाखों करोड़ रुपया जा रहा है, तो ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। और खत्म करने का, सीधे तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको खत्म करने के लिए ये कानून लेकर के आए ताकि ये सब चीजों को खत्म किया जा सके और पूरी के पूरी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंस ये पूरे देश की बनाई जा सके, ये इसका पूरा मकसद था। तो पहले उन्होंने जब लेके आए ऑर्डिनेंस, उसके बाद बिल लेके आए तो हमने बिल जलवाए, जब फिर कानून लेके आए राज्यसभा में किस तरीके से पारित किया, तो जो बात अभी आप कह रही थी कि उन्होंने बाकायदा राज्यसभा के अंदर जो वोटिंग होना चाहिए था, जिस तरीके से डिवीजन होना चाहिए था, नहीं किया, और ये सब बातें पुरानी हैं। और मुझको लगता है कि आपका जो साथी हैं, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के साथी, वो ये सब बातों को जानते हैं, तो मैं बहुत सारा ज्यादा बातें दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जो बात डॉक्टर संदीप पांडे जी ने जो बात उठाई थी शुरू करते समय, उन्होंने कहा था कि लोगों के मन में बहुत आशंका है कि किसान अड़े हुए हैं और सरकार भी अड़ी हुई है, तो क्या रास्ता निकलने वाला है। तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए, ये कॉल AIKCC का कॉल था, दिल्ली चलो का कॉल था, 2 दिन का कॉल था। हमने जब आंदोलन तय किया था तो हमने अनिश्चितकालीन आंदोलन तय नहीं किया था। हम लोगों ने जब ये आंदोलन तय किया था तो हम सरकार से प्रोटेस्ट करना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि इन 2 बिलों को हम नामंजूर करेंगे, लेकिन सरकार ने जिस तरीके का जो एक्ट किया हरियाणा के अंदर, विशेष तौर पर हरियाणा के अंदर, उन्होंने कहा कि पंजाब का कोई भी किसान जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा हरियाणा को, और वहां के खट्टर जो है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी जो है इस तरीके का खटारा बयान दिया, IG ने भी वहां पर चुनौती दे दी पंजाब के लोगों को, तो एक तरीके से सिखों को चैलेंज कर दिया गया और वहां उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। और वो ये कहते रहे जब आए थे दिल्ली में, और मैं सिंघू बॉर्डर पे था, तो जो जो भी किसान आए थे वो एक ही बात कहते थे जी, कि हम लोग तो मुगलों से लड़े हैं, हम लोग तो अंग्रेजों से लड़े हैं, और जब इंदिरा गांधी ने हमसे जबरदस्ती हमारे ऊपर कार्रवाई की तो हम उससे भी लड़ने का काम हमने किया, तो हम लड़ना जानते हैं और हमारे को चुनौती दी है तो अब हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम
मतलब लड़ करके ही नहीं जाएंगे, हम जीत करके जाएंगे, ये बात उन्होंने वहां से मन बना करके निकले वो। और उनकी जो ताकत थी पंजाब के किसानों की, उन्होंने इस तरीके से बता दी कि कोई दूसरा राज्य ऐसा नहीं है, और इस देश के अंदर आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है जिस आंदोलन में सत्ता भी पक्ष में हो और विपक्ष भी साथ में हो। पंजाब के मैं तौर पे कह रहा हूँ, पंजाब में कांग्रेस पार्टी भी साथ में है और अकाली दल भी साथ में है, आम आदमी पार्टी भी साथ में है, वहां का इंडस्ट्री भी साथ में है, वहां का बिजनेसमैन भी साथ में है, जिसको ये बिचौलिया कहते हैं वो भी साथ में है, किसान भी साथ में है, खेतीहर मजदूर भी साथ में है, महिलाएं भी साथ में है और युवाओं भी साथ में है। तो ये जो एक वातावरण बना, ये कोई अचानक नहीं बना। मैं ये चाहता हूं कि जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि किसान आंदोलन का इतिहास कोई आज से शुरू नहीं होता कि आज जो है 92 डेज से शुरू हो रहा है। किसानों का जो इतिहास है वो तो मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 100 साल तो अभी असहयोग आंदोलन को हो गए हैं, चंपारण सत्याग्रह को हो चुके हैं, लेकिन ये उससे बहुत पुराना है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोगों ने मंगन मनाया है, जो पगड़ी संभाल जो है दिवस मनाया, 23 फरवरी को जो हमने मनाने का काम किया, तो 1907 का है वो। और 1907 के अंदर जो है वो, उसके अंदर कौन लोग थे? लाला लाजपत राय थे उसके अंदर, और चाचा अजीत सिंह थे। तो अभी तो ये हो गया है कि लोग ऐसा ही हो जाता है, एक समय ऐसा होता है कि जब जो है बच्चों को माँ बाप के नाम से जानते हैं, और फिर बाद में समय बदलता है कि बच्चों के नाम से माँ बाप को जाना जाता है। अभी आजकल जो है अजीत सिंह जी को जाना जाता है कि वो भगत सिंह जी के चाचा थे, इसलिए जाना जाता है। लेकिन अगर आप वास्तव में अगर देखेंगे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना जबरदस्त है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, और ये जो पगड़ी संभाल जट्टा जो समय का आंदोलन चला, और वो भी कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेज जो जमीनों पे कब्जा करना चाहते थे, हक करना चाहते थे, उसके खिलाफ था, और उन लोगों ने उस कानून को पलटवाने में उन्होंने सफलता हासिल की थी। और इसीलिए वर्तमान किसान आंदोलन पगड़ी संभाल दिवस मनाने का काम करता है, क्योंकि हम उसी तरीके की जीत हासिल करना चाहते हैं जो 1907 के अंदर उस समय पंजाब के किसानों ने की थी। हम लोगों ने चंपारण दिवस को भी मनाने का काम किया, हम गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। क्यों? 1917 के अंदर जो चंपारण दिवस हुआ था, चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था, उसके अंदर नीलों के खिलाफ में था वो, अंग्रेजी की कंपनियों के खिलाफ था उस समय। जैसे अब जो होगा कि अब ये कानून जो लागू होंगे तो किसानों को जो खेती करनी पड़ेगी वो कॉरपोरेट की मंशा से करनी पड़ेगी, जैसे हम कहते हैं कि वो मोनोकल्चर होगा, है ना। आज तो एक डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि बहुत सब किसान है, सबकी अपनी अपनी रुचि है, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं खेती के, सब लोग कई किस्म की फसलें उगाते हैं। लेकिन कंपनी जब होगी तो वो तो लाभ के हाथ किसमें अधिकतम है वही पैदा करवाएगी, और वो मोनोकल्चर होगा। तो उस समय जो है उस समय इस तरीके की जो स्थिति थी, चंपारण का जो चला था तो 1917 में चला। उसके बाद मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 1922 के अंदर चला बारदोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। और वो जो नेतृत्व था वो क्यों था? 30% उस समय कर बढ़ाया गया था, और उस कर के खिलाफ में वो आंदोलन चला था। और उस आंदोलन के अंदर जब वहां पर पहुंचे थे गांधी जी, जब पहुंचे थे उन्होंने एक कालीपराज जो जनजाति का एक सम्मेलन किया था, और उन्होंने कालीपराज जनजाति को रानीपराज की संज्ञा देने का काम किया था। और जो उस समय हाथी पद्धति थी वो, उस पद्धति को उन्होंने खत्म कराने का काम किया अंग्रेजों से। सॉरी सॉरी सुनील जी बोलिए। अंग्रेजों से उन्होंने वो भी कानून बदलवाने का काम उन्होंने करने में सफलता हासिल की थी। 42 का जो मूवमेंट चला, बेसिकली उसके पहले 1927 में मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि किसान सभा का जो है गठन हुआ था। किसान सभा का गठन सज्जन सरस्वती जी ने किया था। सज्जन सरस्वती जी देश के सबसे बड़े
सबसे पुराने किसान नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। और अभी 22 फरवरी को जो है उनका जयंती थी, गाजीपुर में पैदा हुए थे यूपी के अंदर, और उन्होंने कहा था कि रोटी जो है उसको भगवान कहा था और किसान को भगवान से भी ऊपर बताया था, ये उनकी पूरी फिलॉसफी थी। और उन्होंने जब अपना सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन में आप जिनके रास्ते पर चलते हैं रुबना जी, वो आचार्य नरेंद्र देव जी थे उसमें, डॉक्टर लोहिया थे उसमें, उसके अंदर जो है जो जिन्हें कम्युनिस्ट लीडर बहुत, आपके यहाँ तो सुंदरैया भवन भी है, सुंदरैया जी थे उसमें, नवोदय पाठ थे उसमें, एनजी गोरे थे जो सीएसपी के थे, बंकिम मुखर्जी थे, इस तरीके के तमाम सारे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे वो सब उसके अंदर थे, किसान सभा में थे। तो 1927 का मैंने आपको बताया, और कितने बड़े लीडर थे सहजानंद सरस्वती, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि जब एक बार वो गिरफ्तार हुए तो सुभाष चंद्र बोस ने कॉल दिया उनकी रिहाई के लिए, ऑल इंडिया, जैसे हम लोग कॉल देते हैं ना, हमें रवि दिशा के लिए दिया हम लोगों ने, ऐसे हम लोग भी कई कई लोगों की गिरफ्तारी के लिए देश भर में प्रोटेस्ट का कॉल देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कॉल दिया था उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ में। और जब उनका देहांत हुआ था तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि एक दलितों का एक मसीहा चला गया, मतलब थे वो किसानों के नेता लेकिन सर्वहारा के और खेतीहर मजदूरों के वो इतने प्रिय थे, और उनके लिए उन्होंने इतना काम किया था कि उन्हें जो है दलितों का जो है वो मसीहा भी कहा जाता था उन्हें। और जो है उन्होंने तो बिहटा के अंदर काफी लंबा समय बिताया था, 1936 से 1944 तक का। तो खैर ये उनका बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन मैंने केवल आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ 1907, 1917, 1922, 1927 और फिर उसके बाद में 1942। 1942 का जो सबसे बड़ा आंदोलन था उसमें बहुत बड़ी भागीदारी किसानों की थी, उसका लीडरशिप सोशलिस्टों के हाथ में थी क्योंकि कांग्रेस के सभी नेता उसमें जेल में जा चुके थे, या अंडरग्राउंड मूवमेंट चला, इसमें 50,000 लोग शहीद हुए और 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल हुई। और इसीलिए सोशलिस्ट 9 अगस्त का कार्यक्रम जो है, भारत छोड़ो का कार्यक्रम पूरे देश में मनाते हैं। और हम लोग भी जो है, हम लोगों ने AIKCC की तरफ से कॉरपोरेट भगाओ किसानी बचाओ आंदोलन इस बार 9 अगस्त को हम लोगों ने मनाने का काम किया था, और उस दिन ट्रेड यूनियन के लोगों ने जेल भरने का कॉल देने का काम किया था। तो इस तरीके से मैं ये आपको ये जानकारी ये दे रहा हूँ कि ये मूवमेंट लगातार चलता रहा। अब उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो डॉक्टर लोहिया का सिंचाई का जो कर था उसके खिलाफ में एक बहुत बड़ा, 1 लाख किसानों का लखनऊ के अंदर, जहां पर अभी संदीप पांडे जी बैठे हैं वहां पर बहुत बड़ी रैली हुई थी। उन्होंने रीवा के अंदर हिंद किसान पंचायत का गठन डॉक्टर लोहिया ने करने का काम किया था। तो इस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार चलता रहा। और फिर 80s के अंदर एक बड़े नेता थे जिनका नाम है, आप जानते हैं नंजुल स्वामी, है ना, नंजुल स्वामी जी जो है वो सोशलिस्ट लीडर थे, रैयत संघ के उन्होंने गठन किया, और वो वहां का कर्नाटक का सबसे बड़ा किसान संगठन था। आज उसके दो हिस्से हो गए हैं लेकिन दोनों AIKCC के साथ में हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरी लड़ाई की जो है, इस पूरे संघर्ष के अंदर, किसान आंदोलन के अंदर जो कॉरपोरेट के खिलाफ में जो सबसे पहले लड़ाई लड़ने का काम किया था, वो लड़ाई लड़ने का काम किया था नंजुल स्वामी जी ने। उस समय उन्होंने मॉन्सेंटो के जो है जो ट्रायल्स हो रही थी उसके जो बहुत सारे मॉल्स के ऊपर भी उन्होंने एक तरीके से उसके जो बिकता था वहां पर जीएम क्रॉप्स को रोकने का काम किया था, जीएम फूड के खिलाफ में उन्होंने आंदोलन किया था। उसी दौर के अंदर एक और बड़े नेता थे जिनका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो राकेश टिकैत जी के पिताजी के तौर पर अब लोग जानते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत 1988 के सबसे बड़े लीडर थे, और 10 लाख किसानों को उन्होंने दिल्ली के वोट क्लब के अंदर इकट्ठा किया था, और वो 13 दिन के बाद में वो आंदोलन समाप्त हो गया था। और उस समय शरद जोशी एक बड़े नेता थे लेकिन वो फ्री मार्केट वाले लीडर थे, मतलब वो फ्री इकोनॉमी के पक्षधर थे, और इसलिए हम लोग जो है उन्हें नहीं मानते कि वास्तव में किसानों के पक्षधर के तौर पर उन्होंने काम किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फ्री इकोनॉमी या फ्री मार्केट जो है वो किसानों के लिए एक
एक तरीके से उनके ऊपर कुठाराघात होता है, खेती किसानी और गांव को नष्ट करने की का ये पूरी एक इकोनॉमिक पद्धति है, तो हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन वो एक बड़े लीडर थे जिन्होंने किसानों के मुद्दे को देश के सामने रखा, उसके प्राइसिंग के सवाल को रखा। तो ये जो सब पूरा किसानों का इतिहास है ये, और इसके साथ में मैं जहाँ से आता हूँ मुलताई, जहाँ पर 12 जनवरी 1998 को फायरिंग हुई, 24 किसान साथी शहीद हुए, जिसके अंदर 250 किसानों के ऊपर 67 मुकदमे चले, 17 साल तक हमारे ऊपर मुकदमे चले, बाद में मेरे को आजीवन कारावास की उसमें सजा हुई, 54 साल की सजा हुई, मैं बेल के ऊपर हूँ अभी। तो 24 किसानों की शहादत हुई। और फिर जो मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले जो है वो 2018 के अंदर मंदसौर के अंदर फायरिंग हुई और 6 किसान शहीद हुए। तो एक मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग इस आंदोलन को एक अचानक हुआ आंदोलन मानते हैं वो गलत मानते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि किसान आंदोलन फ्रीडम मूवमेंट की विरासत है, और आजादी के पहले और आजादी के बाद भी ये आंदोलन चलता रहा है। और मेरा मतलब ये है कि एक विस्तारित चेतना है जो आज पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा दिखलाई पड़ती है, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। तो एक मिथ पैदा करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोदी मीडिया के माध्यम से किया कि ये आंदोलन तो केवल पंजाब का आंदोलन है, ये तो केवल हरियाणा या वेस्टर्न यूपी का आंदोलन है। लेकिन आप ही के यहाँ पर अभी जो खम्मम के अंदर जो पंचायत हुई थी है ना, उस खम्मम की पंचायत में 25,000 से ज्यादा किसान थे। आपके यहाँ पर ये मक्टल में जो पंचायत हुई थी नारायणपेट में तेलंगाना में, उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर किसान थे। मैं आज अगर तोड़ा भीम का, राजस्थान का मैं आप बताऊं, करौली महापंचायत है ना, उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में किसान थे। मैं बरलाला की महापंचायत बताऊं तो उसमें 2.5 लाख किसान थे एक जगह पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी और अमित शाह और उनकी पूरी पार्टी मिलकर भी लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती है, चाहे करोड़ों रुपया खर्च कर ले। और ये सो जब जो आंदोलन चल रहा है ये स्वतः स्फूर्त है। इस आंदोलन के बारे में मैं आपसे ये भी एक कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन ने एक मॉडल पेश किया है, सामूहिक नेतृत्व का वो मॉडल है। कैसे 550 संगठन, 250 संगठन तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के हैं, फिर हमने एक जो है संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, उस मोर्चे की एक मीटिंग बुलाई थी गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी ने कुरुक्षेत्र में, उसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया था। हमारे उस समय जो कन्वीनर थे वीएम सिंह जी वो भी थे, पर प्रेम सिंह गहलावत जी भी थे है ना, किसान महासभा के हम लोग वहां गए थे, उसकी अध्यक्षता मैंने की थी। उसमें एक एक पृष्ठभूमि बनी थी कि हम लोगों को 250 किसान संगठनों से भी आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर आगे बाद में जा करके बंगला साहब में हमने एक मीटिंग बुलाई और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा बना, उसकी 7 मेंबर कमेटी बनी। और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पंजाब का किसान आंदोलन बना है, ये पंजाब का किसान आंदोलन 32 जत्थेबंदियां पहली बार इकट्ठा हुई हैं, ना तो आजादी के पहले इकट्ठा हुए थे ना आजादी के बाद कभी ऐसे इकट्ठे हुए थे, ये एक साथ पहली बार इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोगों की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस तरीके की है कि रोज रात को 8:30 बजे या KCC की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है जिसमें 22 लोग रहते हैं, उसके बाद में 32 जत्थेबंदियों की पंजाब की मीटिंग सुबह होती है 9 बजे, फिर उसके बाद में 1:30-2 बजे जो है संयुक्त किसान मोर्चे की जो है जनरल बॉडी की मीटिंग होती है, जनरल जो है 200-250 लोग उसके अंदर रहते हैं, और उसके बाद में जो फैसला होता है वो संयुक्त संघर्ष मोर्चा उसको डिक्लेयर करने का काम करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है और ये जो पूरा एक एक एकजुटता है, ये अपने आप में ऐतिहासिक एकजुटता है, और पार्टियों को इससे सीखना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर विपक्ष की पार्टियां अगर सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला किसान संगठनों से सीख लें और कोएग्जिस्टेंस कैसे होता है, और देश को आगे रख करके, किसान को आगे रख करके, अपनी ईगो को पीछे रख करके, अपने संगठन को, अपने झंडे को पीछे रख करके, पूरे तरीके से समाज के द्वारा संचालित आंदोलन कैसे चलाया जा सकता है, मुझे लगता है कि ये सब भारत के पूरे विपक्ष को भी ये सब सीखने की जरूरत है। हालांकि जेपी एक बार सिखा करके गए हैं, जेपी ने 1974 के अंदर छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व करने का काम किया था, उस समय तो महंगाई वाला एक सवाल था, छात्रों की फीस की वृद्धि थी, गुजरात में हुई थी, फिर बाद में आंदोलन बिहार के अंदर पहुंचा था, और जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने उसका नेतृत्व किया, उन्होंने सब पार्टियों को एक साथ लेके आने का काम किया था। तो वो जो एक फॉर्मूला देकर के गए थे, अगर उस फॉर्मूले से भी अगर विपक्ष सीख लेता कि
है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी, क्योंकि आप जो सब बात कह रही थी ये क्यों हो पा रहा है, क्यों इसलिए हो पा रहा है कि क्योंकि मोदी जी सरकार में है, और मोदी क्यों सरकार में है, अब उसे ईवीएम से भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये भी सही है कि पिछले चुनाव में उन्हें मिला था 31% वोट, इस चुनाव के अंदर उनको मिला 40% वोट कुल मिला करके। अब अगर जिस तरीके की पॉपुलरिटी में कमी आई है, तो मैं मानता हूं कि इस समय 25-30% के ऊपर उनका वोटिंग परसेंटेज होगा। हमारे बहुत सारे साथी ये कहते हैं, मैं उसको केवल रिपीट कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि अगर जो है हिम्मत है, तो मोदी जी कहते हैं ना कि वन वन नेशन वन मार्केट और वन नेशन वन जीएसटी, क्या क्या सब वन नेशन के साथ में कहते हैं ना, और तो ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी वो करते हैं। तो हमारे साथी कहते हैं कि करा लो इलेक्शन, तो आपको मालूम पड़ जाएगा देश के अंदर कि क्या स्थिति है आपकी, है ना। और जो है अगर ऐसा ही होता कि वो इलेक्शन जीतने की स्थिति में होते, तो फिर पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ अब वो सब आपके सामने है कि पंजाब के अंदर वो पूरे म्यूनिसिपल इलेक्शंस जो है वो हार चुके हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। तो मैं जो आपको आंदोलन की यूनिकनेस बता रहा था, तो मैंने एक तो आपको सामूहिक नेतृत्व के बारे में बताया, दूसरा आपको इसकी जो प्रतिबद्धता अहिंसा के प्रति है वो बताना चाहता हूं मैं आपको, कि आप ये सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि कोई भारत बंद भी हो जाए, चक्का जाम भी हो जाए, रेल रोको भी हो जाए, और इतने आंदोलन हो जाए, और किसानों की तरफ से तमाम प्रोवोकेशन के बाद भी आज तक कोई भी हिंसा नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर चाहे लाल किला या आईटीओ पे जो कुछ हुआ, वो होम मिनिस्ट्री की अपनी फिक्सिंग थी, अपनी साजिश थी, हमारे लोग नहीं थे, हमारे लोगों ने के साथ में भारत सरकार की जो बातचीत हुई थी, हमने उसी रूट के ऊपर चलने का काम किया था, हम लोगों ने उसको एक एग्रीमेंट के अंदर हमने कहीं भी ब्रीच नहीं किया, लेकिन सरकार ब्रीच कर रही है। सरकार ने 11 बार हमसे बातचीत की, 11 बार बातचीत में 15 कमियों को स्वीकार किया, 8 कमियों को उन्होंने जो है नरेंद्र जो तोमर हैं उन्होंने बाकायदा अखबारों में विज्ञापन देकर के प्रचारित किया, 8 संकल्प उन्होंने बताए, लेकिन जब बजट आया तो उन्होंने बिजली के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोल दिया, उसके लिए बजट अलॉट कर दिया, उन्होंने जो है वो अभी राज्यसभा लोकसभा के अंदर बिल इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो मेरा मतलब ये है कि सरकार पीछे हट रही है, सरकार जो है वो जो भी बातचीत होती है उसको वो ऑनर करने का काम नहीं कर रही है। सरकार ने जितने एश्योरेंस दिए उसमें से एक भी एश्योरेंस को उन्होंने अभी तक पूरा करने का काम नहीं किया है, लेकिन हम अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। अभी कितना दमन हो चुका है ये आप देख रहे हैं, मतलब जो है मतलब दमन इतना हुआ है कि 22 एफआईआर दर्ज हुई हैं सैकड़ों किसानों के ऊपर, 125 किसान हमारे अभी जेल के अंदर हैं, हरियाणा के अंदर 100 किसानों की गिरफ्तारी हुई थी, बाद में वो सब लोग बेल आउट हो गए, लेकिन अभी भी कुछ जो है एक कुछ जो दो लोगों को वहां पर जो केवल वर्कर्स के कंपन उसको लेकर के मजदूरी की बात कर रहे थे, उनको जेल में डाला है और प्रताड़ित करने का काम किया है, वो उनका नाम भी अभी सामने आया है। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों ने तमाम प्रोवोकेशन के बाद भी हम लोगों ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया और आगे भी अपनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि तो हम ये मानते हैं कि कोई भी बदलाव जो हिंसा और नफरत के रास्ते से होता है वो स्थायी नहीं हो सकता। गांधी जी का सोच और जो चिंतन है वो इस किसान आंदोलन का सोच और चिंतन है। ऐसा नहीं है कि हम जो है गांधी जी को मानते हैं तो हम जो है भगत सिंह के रास्ते को नहीं मानते, हमारे जितने नौजवान हैं वो सब भगत सिंह के नेतृत्व में या उनकी एक तरीके से प्रेरणा लेकर ही काम कर रहे हैं। 23 मार्च को पूरे देश के अंदर भगत सिंह के स्मृति दिवस के ऊपर या डॉक्टर लोहिया के जन्म दिवस के ऊपर पूरे देश के अंदर मतलब लाखों कार्यक्रम होना तय हैं, और आप अगर जाएंगे पूरे किसी भी जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भगत सिंह का फोटो जो है वो लोगों के हाथ में दिखलाई पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर का फोटो लोगों के हाथ में दिखलाई पड़ेगा, भारत के संविधान का जो कवर पेज है वो लोगों के हाथ में दिखलाई पड़ेगा, जो लोगों के हाथ में जो प्रियम्बल है भारत के संविधान का प्रस्तावना वो दिखलाई पड़ेगा। तो हम जो है आपने जो चिंता व्यक्त की थी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए कमिटेड है हमारा ये आंदोलन। जी आप कुछ बोल रहे हैं? आपको आप म्यूट है, म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी सुनीलन जी,
क्योंकि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये तेलंगाना की पंचायत की भी बात छेड़े, तो मैं आपके सामने एक रखना चाहती हूँ। ये आप हमसे जरा अपने फॉर्म लीडर्स के, आप जिसके आप बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है आपके बीच में, कल हमारे पास हैदराबाद में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से। ओके, वो अनाउंसमेंट ये है कि पूरी इंडिया में 3 एथेनॉल के प्लांट्स खड़ा करने वाले हैं, और वो 3 एथेनॉल प्लांट्स में से एक तेलंगाना में है और एक आंध्र प्रदेश में है और एक कहीं और है। तो ये इथेनॉल के बारे में अनाउंसमेंट हो चुकी है, और वो ये भी बताए कल कि, सिर्फ कल की बात बता रही मैं, और ये भी बताया कि पूरी प्रेस के सामने, जो कि कई काफी पेपर्स में कवर भी हो चुका है, कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने उनको हाँ भी कर दिए। ओके, तो हम तो हमारी पार्टी की ओर से, और हम आपके INIPM सबकी तरफ से, हम तो बातचीत करके हम तो उसको अपोज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट करने की बात है कि इसके ऊपर स्टेटमेंट बराबर आना चाहिए। अपनी फॉर्म की संघर्ष जो क्रिटिकल पॉइंट है अपनी बॉर्डर्स के पास से, और दूसरी बात यह है कि दे क्लियरली मेंशनड कि 80 एकर्स की जो जमीन है और 600 करोड़ की जो बजट है, और ये FCA के गोडाउन के बाजुक रहना है, और इसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर होना है, ये इसके कंडीशंस है बोल के वो खुला बता रहे हैं। और इसकी रॉ मटेरियल क्या है, इथेनॉल की जो रॉ मटेरियल है वो है फूड ग्रेन्स, जो रॉटन फूड ग्रेन्स हैं, और जो भी कुछ रहता है एक सरप्लस, सुनिए आप ये दो बात, सरप्लस फूड ग्रेन्स और रॉटन फूड ग्रेन्स, और FCA के गोडाउन के बाद, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, ये तेलंगाना गवर्नमेंट से हाँ हो चुकी है, AP को वो जाने वाले हैं, और एक प्लांट आने वाली है। तो मैं आपसे बता रही हूँ कि इसके ऊपर तुरंत स्टेटमेंट निकलना चाहिए, और दूसरी ओर एक्सपर्ट्स को भी हमने यहाँ लाना चाहिए कि इथेनॉल को जो ये लोग एक फ्यूल सप्लाई के तौर पे जो, और उसकी ये बता रहे हैं आपको कि, और ये आज की बात नहीं है, नितिन गडकरी भी जब फार्म के बिल ये पास हुई थी तब भी वो लोग बताए थे प्रेस में, NDTV पे भी, कि फार्म को अब ज्यादा इनकम मिलने वाला है, भाई हम पूरी खरीद के इथेनॉल बनाएंगे। तो ये देखिए, जो एसेंशियल कमोडिटी थी उससे इथेनॉल की बात हो रही है, और ये भी हमको पता नहीं है कि इथेनॉल जब पेट्रोल से मिलेगा तो उसकी जो कंबस्टिव प्रोसेस है, तो वो पर्यावरण पे ऑलरेडी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की पोल्यूशन की वजह से बहुत दबाव में है, बहुत रिपोर्ट्स आ रहे हैं लैंसेट वगैरह की, तो ये इथेनॉल की जो कंबस्टिव प्रोसेस से क्या होने वाला वो नहीं मालूम। और खास बात ये है कि आप जो है क्या बोलते हैं वो एसेंशियल कमोडिटी जो फूड की है, अभी भी हम 100 इंडेक्स में हम ऊपर जा रहे हैं, काफी कंट्रीज के हम ऊपर है 100 हंगर की इंडेक्स में, और उस टाइम पे वे एसेंशियल कॉमोडिटीज को जब ये एथेनॉल को और फ्यूल के लिए ला रहे हैं, तो व्हाट शुड बी आवर रिएक्शन, व्हाट शुड बी आवर स्टेप्स, नॉट रिएक्शन, व्हाट शुड बी आवर स्टेप्स, और इस पे संघर्ष समिति क्या बोल रही है, देखिए, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन संघर्ष करने समिति ने थे इस पर इसलिए पहले मैं यहाँ से ही रखी। अपना अपना जी अपना स्टैंड बहुत पहले से लिया हुआ है। यही KCC ने अपना स्टैंड पहले से लिया हुआ है कि हम इस तरीके का जो फूड ग्रेन्स के इस्तेमाल इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए करने की का हम विरोध करते हैं। हम ये मानते हैं कि इससे देश की फूड सिक्योरिटी को खतरा पैदा होगा। जो पूरा जो PDS का सिस्टम है वो पूरा तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, और जो है इससे देश के अंदर गरीबी बढ़ेगी, और इसलिए हम इसका जो है गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, जिसका आपने जिक्र किया, और इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो ये कोई आपने जो बात किया है वो ये है कि अब ये लगाने के लिए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने विरोध को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जो काम हम लोगों ने रिलायंस के पेट्रोल पंप के ऊपर किया है, जो काम हमने अडानी के एस्टेब्लिशमेंट पे किया है, जो हमने अंबानी के ऑफिस में मुंबई में किया है, वो सब काम हमको जो है यहाँ पर करना पड़ेगा, ये बात हम कहते हैं। और इसलिए जो है हम लोगों का ये विरोध इसके ऊपर लगातार जारी रहने वाला है। जो बात कई लोग कहते हैं कि ये क्या फ्यूल के तौर पर सुपीरियर है और बेहतर है, और ये जो है इससे एक डिपेंडेंसी कम हो जाएगी जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, ये सब जो तर्क हैं इन तर्कों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि और भी अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से हम क्लीन एनर्जी हम देने का काम कर सकते हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। मैं लुबना जी चाहता हूं, क्योंकि तो समय कम बचा है,
तो मैं ये चाहता हूं कि जो प्रोग्राम्स हम लोग ले रहे हैं और आने वाले समय के जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है और इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर बात करें हम लोग की जो, और मैं अपील भी करना चाहता हूं कि हम लोगों के जो कॉल लगातार जो हाँ सुनीलम चलते जी, हैं। यहाँ जी हमारे बीच ना एक शिव कुमार जी है, राहुल सिंह जी, जी वो भी अपना बात कुछ रखना चाहते हैं। राहुल सिंह जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर हम यूजुअली देखें कि जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं उनके कंपैरिजन में इथेनॉल में क्योंकि कार्बन एमिशंस अनबर्न जो कार्बन है वो नहीं आता, तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इथेनॉल एनवायरनमेंट के लिए स्टिल बेटर है दैन ट्रेडिशनल फ्यूल्स। बट दैट बीइंग सेड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड के जैसे कि सर ने बोला कि और ऑल्टरनेट सोर्सेज भी हैं जिनको हम ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, सच एज सोलर एनर्जी है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत कुछ आ सकता है। तो हाँ, शिफ्ट जो है वो इथेनॉल से भी दूर जाके इन ऑल्टरनेट जो सोर्सेज हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, इनकी तरफ जाना मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। या राहुल वन सेकेंड, इथेनॉल जब, क्योंकि ये प्योर इथेनॉल नहीं है, ये लोग जो बोल रहे थे कल IOC और गवर्नमेंट की तरफ से, इथेनॉल को वो लोग पेट्रोल से मिला के कम्बस्टन उसका होगा, तो व्हाट अबाउट दैट? आप इथेनॉल, प्योर इथेनॉल की बात करें, लेकिन प्योर एक्चुअली इथेनॉल, हाँ, बट जैसे आप जो मिक्सर की बात करते हैं ना, तो उसकी एफिशिएंसी इज स्टिल बेटर देन ट्रेडिशनल पेट्रोल। आप इसको ऐसा समझें कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल अकेला ले रहे हैं उसको जब आप बर्न करेंगे तो एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन जो है एमिट होगा, राइट? बट अगर आप वो 1 लीटर ना लेके आप 50 लीटर 500 ml पेट्रोल लेंगे और 500 ml ही एथेनॉल लेंगे, तो आपका जो कार्बन इमिशन है बेसिकली अनबर्न कार्बन, वो आपका आधा हो जाएगा। तो आप इसको हाँ ऐसे पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं। हाँ तो इसकी कॉस्ट, नॉट ओनली एनवायरमेंट एनालिसिस, मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर अपन करेंगे, तो उसको तो ये लेंगे ना कि हाउ मेनी टन्स ऑफ आई मीन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड, वेदर रॉटन और वेदर सरप्लस। देखो ये सिर्फ रॉटन की बात नहीं कर रहे, सरप्लस ग्रेन्स ले रहे बोल रहे, तो सरप्लस कब डिसाइड करेंगे, या रॉटन जानबूझ के करेंगे? और उसकी आप अगर लेंगे अपेक्षा से कि हाउ मच ऑफ टन्स ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एक्स अमाउंट ऑफ और 1 लीटर ऑफ इथेनॉल, सी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट कि देखिए, हम लोग मुझको फ्यूल मुझको लगता है कि जी वो वैज्ञानिक बहस एकदम अलग है, लेकिन हमारी जी नजर में 137 करोड़ लोग हैं और किसान खुद 80 करोड़ हैं, और इसलिए हम जो है स्पष्ट तौर पर हम लोगों का नजरिया एकदम स्पष्ट है। और जो राहुल जी बात कह रहे थे उन्होंने एक ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी उसको बताया, लेकिन उन्होंने जी कहा कि और भी ज्यादा ऐसे अल्टरनेटिव्स मौजूद जी हैं जो और भी ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और जो कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेंगे। इसके ऊपर हम लोग कुछ वैज्ञानिकों को बुला करके अलग से चर्चा कर लेते जी हैं लुबना जी, है ना? जी तो वो ज्यादा ठीक। अच्छा रहेगा कि हम चर्चा करें उसकी हाँ जगह पर, जो एक इसके बात एक्सपर्ट्स हैं सुनीलम जी, वो महुआ चर्चा मोइत्रा, करें और तब महुआ राहुल जी के मोइत्रा साथ आएंगे। जी जी सुनीलम जी, आपकी एक टिप्पणी चाहिए। महुआ मोइत्रा क्या बोल रहे थे कि आप लोग सब ये बता रहे कि विपक्ष कमजोर हो गया, विपक्ष कमजोर हो गया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ पूरी इंडिया से कि आप बर्दाश्त कैसा कर रहे हैं, ये हर दिन पे दिन जो ये सरकार अपनी डेमोक्रेसी की हर वैल्यू छोड़ रही है, मोरल वैल्यू छोड़ रही है, तो इंडिया इसको बर्दाश्त कैसा कर रहा है? तो आप ओपोजिशन वीक है क्यों बोलते जा रहे हैं, कि लोग क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं, व्हाई आर पीपल नॉट स्टैंडिंग, पूछ रहे वो। हम तो, हमारी जब सुप्रीम कोर्ट वैल्यूज पे नहीं है, कोई और इंस्टीट्यूशन अपने काबू में नहीं है, तो हम और क्या करना, क्यों वो लोग क्यों सामने और नहीं आ रहे? ये उनका एक पिछले 4-5 दिन के पहले उनका सवाल था इंडिया से। आप मतलब चलिए, क्या? उनका सवाल होगा इंडिया से, लेकिन हमारा जवाब ये है कि उनको दिख रहा है कि ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी संख्या का आंदोलन चल रहा है, जी, और ये पूरे सपोर्ट आंदोलन में है। केवल आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, इसके साथ में देश के सभी ट्रेड यूनियंस खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका अपना जो सवाल है कि 44 श्रम कानून खत्म हुए हैं, 4 लेबर कोड लागू किए हैं केवल इंडस्ट्री को, कॉरपोरेट को पूरी तरीके से सौंपने के लिए, और पूरे तरीके से जो भी कुछ श्रमिकों के लिए था उसको खत्म करने के लिए। तो देश और के अंदर कुल मिला के जो आबादी है उसके अंदर जो संख्या है, वो असंगठित क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं वो 54 करोड़ लोग हैं, और कुल मिलाकर के जो और लोग हैं वो कुल मिलाकर के 80 करोड़ लोग अगर खेती किसानी करते हैं
जिनमें से बहुत सारे लोग जो है वो खेतीहर मजदूर हैं, लेकिन वो किसानी की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग उन्हें किसान मानते हैं क्योंकि बेसिकली वो खेती किसानी करते हैं, जमीन नहीं है इसलिए भूमिहीन किसान कहलाते हैं या भूमि खेतीहर मजदूर कहलाते हैं। तो मूल संख्या तो इन्हीं लोगों की है, तो इनके जितने रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये लोग तो सब काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है। तो मैं उनकी मतलब उनको बहुत सम्मान पूरा देश करता है, मैं हाँ उस जी, डिबेट के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, हाँ लेकिन ये सवाल जरूर है कि पूरे विपक्ष को एकजुट होकर के सड़क के ऊपर जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखलाई पड़ रहा है। अलग अलग लोग सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन जो बात मैं इसका पहले कह चुका हूँ कि आज जो जरूरत है कि जो लोग ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने अगर मान लीजिए उस समय का रिजल्ट भी माना जाए तो 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईवीएम के बावजूद भी वोट मोदी के लिए नहीं दिया, तो वो 60% लोग तो विपक्ष के साथ खड़े हैं। तो उसको सड़क के ऊपर लाना, उनको एकजुट करने का काम जो है वो विपक्ष का काम है। हम लोग किसान संगठन हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, मजदूर संगठन है वो अपना काम कर रहे हैं, युवा संगठन, महिला संगठन, आदिवासी संगठन, दलित संगठन, ओबीसी के संगठन वो अपना काम कर रहे हैं। जी लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का काम उस तरीके से कहा जा सकता है कि अब बहुत सारी जगह पर उन्होंने भी अपनी महापंचायतें करनी शुरू की हैं, और ये वाली डिबेट जो है कि उसके अंदर भाई किसान जो है वो नहीं आने दे रहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को। तो हमारा कहना ये है कि आप अपना लोग इकट्ठा करिए और आप अपना जी मंच लगाइए। जी ऐसा सही नहीं हो बात। सकता ना कि मंच हम लगाएं, हमारे और ढाई पॉलिटिकल लाख पार्टीज वहां साढ़े पर आए। साढ़े साढ़े 3 लाख लोग हम इकट्ठा करें बरनाला में और उसके अंदर आकर के पार्टियों के नेता भाषण करें, है ये सही ना? बोला। मामला ऐसा, हम हमें ये मालूम है, मतलब ये हमें ये मालूम है कि हर पार्टी की अपनी बहुत बड़ी हैसियत है। जो अपोजिशन की पार्टीज हैं इनकी नंबर के हिसाब से भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और इनके पास में जो है इनके पास में ये साधनहीन भी नहीं है। तो फिर उनको अपने लोगों के साथ में सड़क के ऊपर उतरने का काम करना चाहिए, ये एक सवाल है। तो एनीवे मैं ये आपके ये कहना चाहता हूं क्योंकि समय हो रहा है, मेरा भी दूसरा कार्यक्रम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा या एआईकेसीसी जो कॉल्स देता है, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जो भी लोग हमारे इस शो को देख रहे हैं उनसे अपील है कि जैसे अभी हम लोगों ने 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया, 24 तारीख को जो दमन विरोधी दिवस जो हम लोगों ने मनाया, अभी 26 तारीख को 3 महीने जब पूरे हो रहे हैं मतलब कल, तो हम युवा किसान दिवस मना रहे हैं। जिस तरीके से हमने महिला किसान दिवस मनाया था तब सभी महिलाएं मंच पे थी, उन्हीं ने ही संचालन किया, उन्हीं के भाषण हुए और बाकी सब लोगों ने उनका जो सहयोग करने का काम किया। उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि सभी लोग जो हैं वो बड़ी संख्या के अंदर युवा किसान आएं और जो दिल्ली आसपास के या वेस्टर्न यूपी हरियाणा के उन युवाओं को बॉर्डर्स के ऊपर बुलाने का जो है आह्वान एसकेएम के द्वारा किया गया है। 27 तारीख को गुरु रविदास की जयंती हम लोग मनाना चाहते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद का दिवस मनाना चाहते हैं, और उस दिन हम लोगों ने तय किया है कि हम मजदूर किसान एकता दिवस मनाने का काम करेंगे। और है ना, तो ये पहली बार ऐसा होगा, ये एक ऐतिहासिक दिवस के तौर पर होगा, क्योंकि अभी ये था कि हम लोग एक दूसरे की मदद करते थे। मतलब ये है कि अगर श्रम कानूनों के खत्म होने के खिलाफ में और या फिर लेबर कोड लागू होने के खिलाफ में अगर श्रमिक संगठन लड़ते थे तो किसान संगठन उनका समर्थन करते थे, और किसान लड़ते थे तो उनका समर्थन मजदूर करते थे, लेकिन अब एक साथ कर रहे हैं। पहली बार किसान और मजदूर बाकायदा स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साथ आ रहा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ लुबना जी, क्योंकि आप एक किस्म की पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, आप विश्लेषणकर्ता भी हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं, तो आने वाले समय में ये जो एक कॉम्बिनेशन किसान और मजदूर संगठनों का एक साथ आना, इसका इस देश की राजनीति के ऊपर असर पड़ेगा और वो आपको पॉलिसीज के अंदर भी परिलक्षित होगा। और इसीलिए सभी जो लोग संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनको इसमें आना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे, दो कार्यक्रम और बताना चाहता हूं। हम लोग तो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर है, अभी 1 तारीख को हमारी भोपाल के अंदर मीटिंग है,
2 तारीख को ग्वालियर में है, 3 तारीख को गुना में है, 4 को छतरपुर में है, फिर उसके बाद में रीवा में है, सतना में है, बड़वानी के अंदर है, इंदौर पीथमपुर के अंदर है। तो हमारा ये प्रोग्राम बना है। ऐसे ही प्रोग्राम पूरे देश में यात्राओं के बन रहे हैं, यात्राओं के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो एक तरफ किसान महापंचायतें चल रही हैं, हजारों लाखों किसानों की, दूसरी तरफ यात्राएं चल रही हैं। अभी 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में दांडी मार्च का कार्यक्रम, जो गांधी जी का था प्रोग्राम, उस समय मैं अभी महाराष्ट्र में था, और महाराष्ट्र के हम भारत के लोग के साथी जो है, उन लोगों ने तय किया कि वो लोग इस यात्रा को अपने तरीके से वो निकालने का काम करने वाले हैं। बहुत सारे संगठन, किसान संगठन मिलकर के, हम लोग मिलकर के MSP भंडा फोड़ यात्रा, मतलब ये कि जो बोला मोदी जी ने कि MSP मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा, ये कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ धोखा है, ये हम मंडी में जाकर के साबित करेंगे। जी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मंडी के अंदर आज भी लोगों को रेट नहीं मिला। नहीं मक्का मिला। जो था वो 1800 रुपए क्विंटल का MSP था, 1850 का, लेकिन लोगों को 700, 800, 1000 रुपए के अंदर मक्का को बेचना पड़ा। गेहूं जी का जो रेट था 1950 का रेट था, लेकिन 1400, 1500 तक भी लोगों को गेहूं बेचना पड़ा। ऐसे सभी फसलों का है। तो कम से कम ये जो 23 फसल जिनका MSP जारी किया जाता है, उन फसलों का 100% जो है MSP के ऊपर खरीद हो, ये सुनिश्चित करने का काम, ये सुनिश्चित करने की कोशिश किसान संगठन करने वाले हैं। तो मेरी सभी दर्शकों से, या सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, या शुभचिंतक हैं, नागरिक संगठन है, जन संगठन है, मेरी उनसे अपील है कि वो सब इन सभी कॉल्स के साथ में वो जुड़ने का काम करें। और इसको लेकर के समाजवादी समागम की भी एक मीटिंग 27 तारीख को होने वाली है, और उसके अंदर भी इस आंदोलन को कैसे मजबूती दी जाए, इसको लेकर के बातचीत होने वाली है। तो ये भी एक कॉल दिया जा रहा है कि भाई सब गांव गांव से लोग मिट्टी लेकर के आए, और मिट्टी लेकर के बॉर्डर के अंदर पहुंचे, यात्राओं के माध्यम से उस मिट्टी को इकट्ठा करने का काम किया जाए। जैसे नमक जी सत्याग्रह किया गया था, उसी तरीके से मिट्टी को लेकर के हो, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि को प्यार करते हैं, अपनी मिट्टी को जी काम करते हैं, और किसान का और किसानी का पूरा जो है आधार, वो मिट्टी ही है, और पानी ही है, और धरती ही है। और इसीलिए जो लोग केवल मतलब फर्जी बात करके, भारत माता की बात करके, और राष्ट्र भक्ति की बात करके जो लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, जिनके बारे में जो है बार बार सुनने मिलता है कि जो लोग फ्रीडम मूवमेंट के अंदर अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, वो जी लोग जो समाज को बांटने का काम करते हैं, ऐसे सब लोगों का खात्मा इस आंदोलन के माध्यम से हो रहा है। वेस्टर्न यूपी के अंदर जिस तरीके की महापंचायतें चल रही हैं, तो आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो ताकत में आई, वो वेस्टर्न यूपी के अंदर जो दंगे कराए साजिशपूर्ण तरीके से हिंदू मुसलमानों के बीच में, उसके चलते उनकी एक स्ट्रेंथ बनी थी। लेकिन अब हिंदू मुसलमान इकट्ठा हो गया है, वो फिर से चौधरी चरण सिंह का जो के समय में जो एक एकजुटता थी, अब वो एकजुटता फिर से दिखलाई पड़ रही है। लोगों ने कहा कि वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के जाट इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अब जैसे 36 जातों की जो है वो पंचायतें चल रही हैं, सभी जातियों के लोग अपना पानी लेकर के, सिर पे मटके लेकर के आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किसान आंदोलन के साथ में सभी जातियां जुड़ी हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पूरा आंदोलन है, ये अद्भुत आंदोलन है, ये राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को लिए हुए है, ये पूरा हिंदू मुस्लिम एकता या सेकुलरिज्म को लिए हुए है, ये लोकतंत्र को डिफेंड कर रहा है, ये लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डिफेंड कर रहा है, ये अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है। लोगों के अंदर, इस देश के अंदर जो निराशा हो गई थी, या एक टीना सिंड्रोम एक जो बन गया था कि देर इज नो अल्टरनेटिव, तो हम ये बता रहे हैं कि किसान अल्टरनेटिव दे सकता है, दे रहा है, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, और हम वापस जाने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, इन तीनों जी कानूनों को रद्द कराएंगे, सभी कृषि उत्पादों की हम C2+50% की MSP पाएंगे, हम श्रम कानूनों की बहाली कराएंगे, हम 4 लेबर कोड खत्म कराने का काम करेंगे, इस तरीके के हम जो किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे हैं वो वापस कराएंगे, हम जिन लोगों को बेगुनाह जेल में डाला गया है,
हम उनको रिहा कराने की लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे, तो हम लोगों के दिमाग में एक वैचारिक स्पष्टता है और ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। लेकिन ये जो मैं जहां से शुरू हुआ था मैं वहीं पे खत्म करना चाहता हूं, जो संदीप जी ने कहा था कि किसान भी अपनी जगह पे अड़े हैं और सरकार भी अड़ी है। सरकार तो कह रही है कि हम 18 महीने के लिए अब इसको स्थगित करने को तैयार हैं, क्योंकि सरकार को मालूम है कि अब चुनाव आने वाले हैं, 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अगर इस मुद्दे पे चुनाव हो गया तो वो हार जाएंगे, इसलिए वो इसको स्थगित करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कह रहा है कि हमने इसके ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन तलवार तो लटकी रहेगी 18 महीने के बाद में, और रोक तो कभी भी हटाई जा सकती है, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसका स्थायी निदान निकलना चाहिए। हम केवल आखिरी बात में ये कहना चाहता हूँ, किसान किसानी और गांव को खत्म करके खेती कॉरपोरेट को सौंपने की जो साजिश है भारत सरकार की, हम दो हमारे दो की नीति जो चला रहे हैं, हम उसको इस देश पर लागू नहीं होने देंगे। किसान एकजुट था, एकजुट है और आगे भी एकजुट रहने वाला है। बस बहुत शुक्रिया सुनीलम जी। बस मैं दो शब्दों के साथ मैं बताऊं, बहुत अच्छी तरीके से आपने उसकी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी आपने जो बताई थी उससे बहुत कुछ अंदाज हुआ कि कितनी मजबूत है ये जो मूवमेंट हो रहा है। और ये भी आप बता चुके हैं कि किस तरह से पूरी इंडिया को लेकर हर विदाउट यूनिवर्सल तरीके से ये जो चल रहा है उसकी भी हम बहुत अच्छी तरह से आप हमको जानकारी दिए। और ये सच बात है, इट इज नॉट अबाउट द फार्मर्स, ये हमारे 135 करोड़ के हर बर्तन के निवाले की बात है, तो इसीलिए इसमें पूरी भारतवर्ष है, हर किसी के लिए हम ये है। और मैं एक बस बात बताना चाह रही हूँ यहाँ पर एंड करते हुए कि ये जो स्थगित करके रखने की जो बात चला है कि 1.5 साल पहले, और उनके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट उनकी जबान लेके जो 1.5 साल स्थगित करने की बात बोल रहे हैं, यानी इन्होंने अपनी ही बिल को जिसको जबरदस्ती जल्दी जल्दी उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ सिग्नेचर करवाए, वही प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की कराई हुई बिल को क्या पार्लियामेंट को स्थगित करने का कैपेसिटी है? क्या मिनिस्टर 2-3 मिनिस्टर्स को बोल करने की कैपेसिटी है? क्या सुप्रीम जी नहीं देखिए, ये देखिए एकदम स्पष्ट है, ये सब निर्णय पार्लियामेंट के अंदर ही लेना पड़ेगा। हम पार्लियामेंट के बाहर कोई निर्णय नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि एक दिन जैसे इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की, जैसे इन्होंने नोटबंदी की घोषणा की, ऐसे एक आध दिन टेलीविजन पर मोदी जी आए और किसानों से माफी मांगे, 250 किसान जो शहीद हुए हैं उनको वो श्रद्धांजलि दें और माफी मांग करके वो सिर झुका करके ये कहें कि किसान के हित में मैं इन 3 कानूनों को रद्द करने की घोषणा करता हूं। अगर वो स्थगित कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, तो फिर रद्द भी कर सकते हैं। हम रद्द कराकर ही मानेंगे, हम MSP C2+50% सभी कृषि उत्पादों की लेकर ही मानेंगे। बहुत शुक्रिया सुनीलम जी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।